नीति आयोग के शासकीय परिषद की सातवीं अहम बैठक आज दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन के साथ ही देश को तिलहन दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और शहरी प्रशासन के मामले पर विचार विमर्श होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि वे राज्यों के प्रति सेंट्रल गवर्नमेंट के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। इधर राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। केसीआर ने किया बैठक का समारोह। सीएम अशोक गहलोत, योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ एवन संवाददाता ज्योति सिंह। जी ज्योति, बताएं ये बैठक कब होनी है, क्या टाइम निर्धारित किया गया और किन मुद्दों पर इस बैठक हो सकती है? बिल्कुल हर्षिता, देखिए एग्रीकल्चर, एजुकेशन और अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की सातवीं संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। और ये देखिए, नीति आयोग की बैठक की बात करें तो ये आज सुबह 9:30 बजे होनी है, पार्लियामेंट के अंदर होनी है, कल्चरल उसमें। और देखिए, वहीं इसी बैठक के लिए अगर हम बात करें तो सभी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और जो मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर नहीं आ पाए हैं किसी वजह से नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए, तो वो वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। और साल 2019 के बाद पहली नीति आयोग की बैठक व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष मेंबर्स भी इसमें शामिल होंगे। और इस अगर देखिए बैठक की बात की जाए तो जिस तरीके से एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि बैठक के दौरान फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति का काम किस तरीके से किया जाए उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इसके टिकाऊ समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की जो ये सातवीं परिषद की बैठक है, केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में किस तरीके से सहयोग किया जाए और सहकार के एक नए युग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोला जाए, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और वहीं देखिए, जिस तरीके से बात करें, सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पिछले 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में शामिल होने के लिए वो प्रधानमंत्री से वो किए हुए वादों को याद दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ERCP का मुद्दा इस वक्त राजस्थान में गरमाया हुआ है और ERCP के मुद्दे को लेकर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे और ERCP को लेकर जो वादे किए गए थे पीएम मोदी द्वारा उनको पूरा करने की बात करेंगे। वहीं देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली दौरे पर हैं और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी, यानी कि कुल मिलाकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। और जो मौजूद नहीं हो पाए हैं वो वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। और पार्लियामेंट के अंदर देखिए, अब से थोड़ी ही देर में 9:30 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है, ये 9:30 बजे बैठक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और करीब शाम तक ये बैठक चली जाएगी और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अंशिता जी, ज्योति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थी फोन लाइन पर ज्योति सिंह, जिन्होंने बताया कि ये नीति आयोग की बैठक काफी